માં સિંહો માટે જાણીતું ગીર જંગલ સહેલાણીઓ માટે આજથી ફરી ખુલ્લું મુકાયું છે. ગીર દ્વારા ખુલ્લી જતા દુનિયાભરના પ્રવાસીઓ જંગલમાં ફરવાની અને સિંહને જોવાની મજા માણી શકશે. સામાન્ય રીતે ગીરના જંગલને ચોમાસાની ઋતુમાં 4 માસ માટે બંધ કરવામાં આવે છે, કારણ કે આ ટાઈમ સિંહોનો મીટિંગ પીરિયડ હોય છે. પરંતુ ચોમાસા બાદ ફરીદવાર ખુલી જતા હવે સિંહનો મજા માણી શકાશે. આ અંગે વાત કરતા વન અધિકારી રામ રતન નાલાએ જણાવ્યું કે ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે 5 લાખ વધારે પ્રવાસીઓએ ગીરની મુલાકાત લીધી છે. સાથે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ વર્ષે વધારે લોકો સિંહ દર્શન માટે આવશે. 16 તારીખ આજે ગીર સેન્ચુરી ખુલ રહા હે, ઓર જૈસા હમ જાનતે હૈ કે લાસ્ટ ટાઈમ 5 લાખ से अधिक टूरिस्ट गए वर्ष में सेंचुरी गिर सेंचुरी में आए थे, और इस बार आशा रखते हैं कि 5 लाख से और जो लास्ट ईयर जो आंकड़ा था उससे अधिक लोग गिर सेंचुरी में आनंद लें. 4 महीने की वेकेशन के बाद डेफिनेटली जितने टूरिस्ट हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, सभी लोग आज के दिन में उत्साहित हैं कि आज दोबारा से हमारा टूरिज्म खुल रहा है. और क्योंकि बरसात की सीजन के बाद एकदम से पहला दिन है आज, सो डेफिनेटली ऑल पीपल वो क्योंकि नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों पे बरसात के बाद, नए फूल आ रहे हैं, इन सबको देख के हर लोग आनंदित है. इतना जगह घूमने के बाद हम लोगों को लगा कि गुजरात घूम के आए, क्योंकि इतना सब जगह तो देखे हैं ऑलरेडी, लेकिन गुजरात इतना कलरफुल है, इतना सुंदर है. और फिर गुजरात के बहुत सारे जगह पे गए थे, लाइक रन ऑफ कच्छ, फिर और भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे गए थे. अभी सोमनाथ जाने का भी प्लान है, तो अभी यहाँ आए हैं गिर में. तो इतना जगह पे अफ्रीका का लायन है, और कई जगह की लायन बहुत फेमस है. तो हमारे इंडिया में एकमात्र गिरी है जहाँ का लायन इतना वर्ल्ड फेमस है, फॉरेनर्स आते हैं इतना. तो अभी हम लौट रहे हैं गिर के दर्शन, मतलब जंगल दर्शन करके.